विकास कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने निर्देश दिए हैं कि IGRS के मामलों को एक सप्ताह के अंदर निस्तारित कर दिया जाए, अन्यथा मामला लंबित पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ई डिस्ट्रिक्ट में अनुमन्य विभागों की सेवाएं ऑनलाइन होनी चाहिए। सभी संबंधित अधिकारी अपने तहसील और ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों का निरीक्षण करें तथा निरीक्षण पंजिका में भ्रमण के दौरान पाई गई कमियां, निराकरण समय आदि के विस्तृत उल्लेख किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यालय में प्रोग्राम मैनेजमेंट होना चाहिए। सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में नहरों के कुल 77 टेल हैं, सभी टेल तक पानी पहुंचाया गया है। 15 अक्टूबर से नहरें बंद होंगी तथा अक्टूबर से दिसंबर तक सील्ड सफाई का कार्य होगा। जनपद में नहरों की कुल लंबाई 515 किलोमीटर है, जिसमें 237 किलोमीटर राजबाहा तथा 278 किलोमीटर माइनर की लंबाई है। जिलाधिकारी ने कहा कि टेल तक पानी पहुंचाने का प्रमाण पत्र ग्राम प्रधानों व सेक्रेटरी से प्राप्त किया जाए। नहरों की सूची तथा नहर के किनारे के ग्राम पंचायतों की सूची उपलब्ध कराई जाए ताकि कार्यों का सत्यापन कराया जा सके। जिलाधिकारी ने श्रमिकों के अधिकाधिक पंजीकरण तथा बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए ताकि श्रमिक लाभान्वित हो सके। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जिस गांव में आवास अपूर्ण है वहां के सेक्रेटरी को नोटिस निर्गत किया जाए कि वे शीघ्र 100% आवास निर्माण पूर्ण कराएं, वरना उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने विकास कार्यों को पूरी पारदर्शिता, समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि कार्य मानक के विपरीत यदि कहीं पाया जाता है अथवा किसी भी स्तर पर लापरवाही या गड़बड़ी मिलती है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पशु टीकाकरण में प्रगति कम पाए जाने पर जिलाधिकारी ने इस कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अन्य प्राथमिक योजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अक्टूबर एंड में पानी मिल जाएगा। किसान अपने आप कर देता है, जिनका करीब एक डेढ़ महीने वाला काम इरीगेशन उसको पड़ेगा कहते हैं, किसान अपने साधन से करते हैं। बाकी जो भी टोटल किलोमीटर कितना है कितने ये जो 237 प्लस 278 है तो लगभग 533 है सर। हाँ, ये जो लंबाई झाड़ियाँ कितने हैं? सीट प्लस ग्रास दोनों है सर। हम लोग स्क्रैपिंग भी लेते हैं, जहाँ पर जहाँ सीट होती है उसको उसमें रेट अलग है। यही मैं भी कह रहा था कि डेटा का जहाँ होता है मैं करता हूँ सर, जहाँ होता है मैं करता हूँ सर।